Hey what's up guys, welcome back again with new video. And guys, इस वीडियो में बताऊँ कैसे आप डार्क ब्लैक टोन लेकर आ सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस ये डार्क ब्लैक टोन देखो आप प्रोफेशनल है गाइस, ठीक है, प्रोफेशनल डार्क टोन है गाइस। और ये डार्क टोन लेकर आ सकते हो अपनी फोटो में और अपनी फोटो काफ़ी क्लासिक बना सकते हो। तो गाइस स्क्रीन में आपको फोटो दिख रही है जो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो रही है, ठीक है। तो गाइस दिखा दो ये फोटो पहले कैसी थी गाइस, इस फोटो देख लीजिए, पहले ही फोटो कैसी थी स्क्रीन में, बिफोर एंड आफ्टर गाइस, ठीक है। एंड इस फोटो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर, पहले एंड अब। तो गाइज ये देख लीजिए, इस फोटो देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज इस तरीके से आप अपने फोटोज़ को एडिट कर सकते हो। तो गाइज इस तरह की फोटो एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक प्रीसेट डाउनलोड करना होगा। गाइज स्क्रीन में दिख रहा है प्रीसेट, प्रोफेशनल डार्क प्रीसेट। और गाइज इस प्रीसेट में पासवर्ड लगाया गया, ठीक है, यानी कि जब इस प्रीसेट को आप डाउनलोड करोगे तो गाइज यहाँ पे आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा, उसी के बाद ये प्रीसेट डाउनलोड होगा। तो गाइज पासवर्ड क्या है वो बताऊँगा इस वीडियो के बीच में गाइज, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो पूरा एंड तक देखना गाइज आपको, और जब इस वीडियो के एंड तक देखोगे गाइज आपको बीच में पासवर्ड भी मिल जाएगा और अब इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लोगे आसानी से गाइज, ठीक है। तो अगर आप लाइटरूम की जो एप्लीकेशन है ओपन कर लीजिए गाइज, ठीक है, उसमें आपको प्रीसेट को इंपोर्ट करना गाइज, ठीक है। तो ये प्रीसेट मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा गाइज, ठीक है। इसकी मैं सेटिंग कॉपी करूँगा, प्रीसेट की थ्री डॉट पर क्लिक कर लिया मैं यहाँ पर गाइज, ठीक है। एंड यहाँ पर कॉपी सेटिंग टिक पे क्लिक कर लिया गाइज, इस प्रीसेट की सेटिंग कॉपी हो चुकी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना, अपनी खुद की फोटो को लेना है गाइज, ठीक है। खुद की फोटो को लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है एंड यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपको अपनी खुद की फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कुछ फोटो सेलेक्ट कर रखी है, यानी इस फोटो को मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे उसके बाद आपको इस थ्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग करना है। एंड गाइज देख लीजिए एक क्लिक में फोटो अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है। तो गाइज कई बार क्या होता है कि प्रीसेट ना जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो आपकी फोटो अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो गाइज ये एक फोटो गाइज, ठीक है। तो हमने प्रीसेट की सेटिंग ऑलरेडी कॉपी कर रखी है एंड इस फोटो में मैं आपको पेस्ट करके दिखाऊंगा। थ्री पे क्लिक कर लिया, पेस्ट सेटिंग कर लेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख लिया प्रीसेट का जो कलर है तो वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो कलर है ना यहाँ पे फेस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये देख लिया फेस पे कलर आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा नीचे गाइस, ठीक है। इस कलर के ऑप्शन में क्लिक करना आपको एंड यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर और टिंट को छेड़ना होगा, ठीक है। तो कैसे छेड़ना बता दूँ, तो मैं टेम्परेचर को पहले कम ज़्यादा करके देखूँगा आप गाइस, ठीक है। तो टेम्परेचर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो टेम्परेचर में थोड़ा बढ़ा रहा हूँ गाइस, तो जो फेस में जो कलर आ रहा है वो यहाँ पर हट रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाना है टेंट पे, टेंट को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है गाइस, ठीक है। टेंट को भी आपको बढ़ाना है, टेंट को जैसे ही बढ़ा हुआ ना तो गाइस आप स्क्रीन में देख सकते हो जो फेस में कलर आता है वो एकदम हट चुका पूरा। तो इस तरीके से अगर आपके फेस में भी कलर आता है या शर्ट या टी शर्ट में कलर आता है तो गाइस आपको टेम्परेचर और टेंट को बढ़ाना है, उसके बाद आपका जो कलर है ये हट जाएगा। सो गाइज यहाँ पे मैंने इस फोटो को ले लिया गाइस, ठीक है। एंड प्रीसेट सेटिंग ऑलरेडी कॉपी हो रखी है एंड यहाँ पे पेस्ट सेटिंग करूँगा। एंड गाइज ये प्रीसेट एकदम परफेक्ट लग चुका है गाइस फोटो में गाइस, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से आप इस प्रीसेट को पेस्ट करने के बाद अपनी फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट कर सकते हो। तो गाइज इसका जो पासवर्ड है प्रीसेट का वो है 111 गाइस, ठीक है। तो जैसे आप 111 एंटर करोगे गाइस, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रीसेट डाउनलोड हो जाएगा आपकी गैलरी में। तो गाइस पासवर्ड मैंने बता दिया 111, ठीक है। और गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो गाइस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती गाइस, ठीक है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस मेरा यूज़र नेम है tarunrautela02 और मुझे आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर गाइस, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो शेयर करो और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज लेके आते रहते हैं, हैप्पी होती है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक स्टे ट्यून विद निक टेक्निक।